अलवर के कालीमोल स्थित बाबा हीरानाथ आश्रम पर बाबा हीरानाथ जी महाराज की 99वें पुण्यतिथि पर आज से धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। 21 अगस्त तक चलेंगे। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 1100 महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। ये शोभा यात्रा अलवर शहर के मथुराधीश मंदिर सुभाष चौक से शुरू हुई। कलश यात्रा में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत अपने सर पर कलश रखकर पूरे रास्ते कलश यात्रा में चली। ये यात्रा कथास्थल बाबा हीरानाथ जी की बगीची पहुंची। कलश यात्रा प्रारंभ में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय नेता पूजा कपिल, अलवर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, श्वेता सैनी, त्रिपोलिया मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति सहित अनेक साधु संत और प्रतिनिधि साथ थे। इस अवसर पर पहले दिन कथा करते हुए महामंडलेश्वर शक्तिपुरी जी ने कहा कि मानव जीवन में भागवत का इतना महत्व है जितना जीने के लिए सांसों का महत्व है। संतों की कृपा, संतों के सानिध्य के बिना मानव जीवन में शांति और भगवत कृपा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, भागवत कथा की महिमा का जिक्र करते हुए, भागवत के बिना जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महामंडलेश्वर साध्वी शक्तिपुरी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संतों की कृपा और मानव जीवन में और समाज में फैली कुरीतियों के विषय में उन्होंने खुलकर चर्चा की और अपने शब्दों में समझाया कि किस तरीके से समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सकते हैं और मानव जीवन का उत्थान हो सकता है। उन्होंने भागवत कथा का महत्व, श्रवण और हरि कीर्तन की महिमा बताई। महंत श्री रूपनाथ जी महाराज ने कहा कि इस वर्ष बाबा हीरानाथ जी महाराज की पुण्य 99वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जन कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया, जो कि 31 दिन तक चलेगा, 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें साध्वी महामंडलेश्वर शक्ति जी द्वारा श्रीमद् भागवत गंगा व हमारे जीवन में चलने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में बताया जाएगा।